أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع ومن عين لا تدمع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين ديني بھائیو इस्लामी माओ बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज फिर हम इमाम बुखारी की सही बुखारी की किताबुल ईमान से एक नई हदीस एक नया बाब आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। गुज़िश्ता जो हदीस आपने सुनी थी उसके रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अमर बिन आस थे, आज उसी हदीस को एक नए बाब में एक नए सहाबी अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इमाम बुखारी ने कुछ अल्फाज की तब्दीली के साथ सनद मुख्तलिफ है मुख्तलिफ सनद के इख्तलाफ के साथ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल ईमान में जिक्र किया है। बात कायम करते हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बाब अय्युल इस्लाम अफ़ल अन अबी मूसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ालु या रसूल अल्लाह अय्युल इस्लाम अफ़ल क़ाल मन सलिमा المسلمون من لسانه ويده। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं लोगों ने सवाल किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अय्युल इस्लाम अफ़ल। गुज़िश्ता दर्स में आपने सुना कि खुद अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सही बुखारी ही में ये रिवायत मौजूद है, लेकिन गुज़िश्ता बाब में नहीं, बाब अय्युल इस्लाम अफ़ल किताबुल ईमान में एक और बात कायम करते हैं इमाम बुखारी, उसमें जिक्र करते हैं, उसमें अबू मूसा अशअरी खुद कहते हैं कुल्तु या रसूलल्लाह अय्युल इस्लाम अफ़ल। सवाल करने वाले खुद हज़रत अबू मूसा अशअरी भी हैं और हज़रत अबू मूसा अशअरी के अलावा दीगर सहाबा किराम ने भी मुमकिन सवाल किया होगा, इसीलिए हज़रत अबू मूसा अशअरी ने कहा क़ालू या रसूलल्लाह, लोगों ने कहा, लोगों ने सवाल किया और सवाल करने वालों में से एक हज़रत अबू मूसा अशअरी जो हदीस के रावी हैं वो खुद भी थे। अय्युल इस्लाम अफ़ल,
अल्लाह के रसूल मुसलमानों में किसका इस्लाम अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, ऐसा इस्लाम, ऐसे मुसलमान का इस्लाम या ऐसा मुसलमान तमाम मुसलमानों में अफजल है, बेहतर है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस से इस्लाम और ईमान ये साबित करना चाहते हैं कि इस्लाम और ईमान एक ही चीज के दो नाम। और जब इस्लाम में दर्जात का तफावत साबित होगा तो ईमान में भी दर्जात का तफावत साबित होगा। ईमान के कम और कम और पेश होने पर भी ये दलील बन सकती है हदीस। और इमाम बुखारी इस हदीस से ये मुर्जिया का रद्द भी करना चाहते हैं। उनका कहना है कि आमाल की तासीर ईमान में साबित नहीं, और आमाल की जरूरत ही नहीं, ये कहते हैं कि आमाल की जरूरत ही नहीं, जुबान से इकरार कर लिया, कलिमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया, काफी है, और तस्दीक इसमें कोई तरक्की नहीं होती। तस्दीक तो हमेशा एक एक हमेशा एक सा रहती है, ईमान में कमी बेशी नहीं होती। बहरकैफ ये हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवामिउल करीम में से एक हदीस, आपको इतना उम्दा उसमें भी बयान अता किया गया था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बोलने का जो सलीका है, कहने का जो करीना है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मुख्तसर से अल्फाज में आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाते थे, और चूंकि आप अपनी तरफ से नहीं बोलते थे, अल्लाह के वही के रोशनी में आप गुफ्तगू करते थे, अल्लाह ताला आपको इल्हाम करता था। इस हदीस में इस्लाम का एक बुनियादी ज़ाब्ता बयान किया गया है। वो ज़ाब्ता क्या है? हमारी जात से किसी भी दूसरे मुसलमान को, दूसरे इंसान को, बल्कि किसी भी जानदार को किसी भी किस्म की कोई अजियत, कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। और एक मिसाली जो मोमिन होता है उसका किरदार और एक मिसाली मुसलमान का वजूद हमेशा दूसरों के लिए सरापा रहम करम का बाइस बनता है, नफा बख्श होता है उसका वजूद, आरामदेह होता है दूसरों के लिए, राहत बख्श होता है। इसीलिए हदीस में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, लोगों में सबसे उम्दा और सबसे अफजल इंसान कौन है? तो आपने फरमाया, खैरुन्नास अनफअहुम लिन्नास, लोगों में सबसे अफजल वो है जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा नफा का बाइस बने, नफा बख्श साबित हो। इस हदीस में अरबी जुबान में एक अरबी जुबान का लफ्ज है अय्युल इस्लाम, अय्युन, अय्युन का मुजाफ ए मुजाफ है, अल इस्लाम मुजाफ इलैह ग्रामर और अरबी कवायद के हिसाब से, तो इसका मुजाफ इलैह हमेशा वो चीज होती है जिसमें तादद होता है, एक चीज नहीं। लेकिन यह इस्लाम मुफरद है, इस्लाम कई चीजों का नाम नहीं, इस्लाम तो दीन इस्लाम एक ही है, कई अध्ययन नहीं, एक ही है, मुफरद है। तो फिर यहाँ मुहद्दिसीन कहते हैं कि अय्यु साहिबिल इस्लाम अफ़ज़ल, यहाँ मुदाफ महज़ूफ है, कौन सा मुसलमान, कौन सा साहिब इस्लाम अफ़ज़ल है? सवाल ज़ात के बारे में किया जा रहा है, तो जवाब भी ज़ात के बारे में दिया जा रहा है कि मुस्लिमुन मन सलिमुल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमानों में कौन सा मुसलमान अफ़ज़ल है? तो बताया जा रहा है कि मुसलमानों में सबसे अफजल मुसलमान वो है जिसके हाथ और जिसके जुबान से, जिसके दीगर आता और जवारे से दूसरे तमाम मुसलमान, बल्कि दूसरे तमाम जानदार महफूज रहे, मामून रहे। सही मुस्लिम की रिवायत जो पहले गुजर चुकी है, अय्युल मुस्लिमीन खैर, मुसलमानों में सबसे अफजल, ये रिवायत सही बुखारी की इसी रिवायत की तफसीर करती है, मुसलमानों में सबसे अफजल कौन है? और सवाल करने वाले सहाबा में इस किस्म का हजरत अबू ज़र गिफारी भी थे, हजरत उमर बिन कतादा भी थे, हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस
सिर्फ ये रिवायत मरवी है, तो मेरे कहे इसमें कोई तजाद नहीं है। अगर हजरत अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि लोगों ने सवाल किया, और खुद उनकी एक रिवायत में मैंने आपके सामने किताबुल ईमान ही में इमाम बुखारी आगे और अब आप मिला रहे हैं, उसमें ये है कि कुल तो मैंने सवाल किया, तो सवाल खुद हजरत अबू मूसा अशअरी भी किए थे और दूसरे साहबा ने भी किए थे। तो बल्कि इस हदीस से एक बात ये साबित हुई कि मुसलमानों के दरमियान फर्क मरातिब है, किसी का इस्लाम किसी का ईमान कामिल है तो कोई ईमान और इस्लाम में अकमल है, कोई फाजिल है तो कोई अफजल है, कोई मकबूल है। आप लोग जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना गुड बेटर बेस्ट, उसी को फारसी में कहते हैं बेहतर बेहतरीन। तो अफजल जो है वो बेस्ट के माने में, अरबी में उसी को जयीद जिद्दन मुमताज। तो ये उसलूब है अरबी जुबान का कि भाई इससे मालूम ये हुआ कि जो आदमी जितना ज्यादा इस्लाम के अरकान पर अमल करेगा, जितना ज्यादा ईमान के अरकान में वो पुख्ता होगा, उसका अकीदा सही होगा, उसका ईमान मजबूत होगा, उसी कदर वो अफजल के मरातिब तय करता हुआ तरक्की करेगा उसका ईमान, उसके ईमान में इजाफा होगा, उसके ईमान को तकवीत मिलेगी तवानाई मिलेगी और उसका ईमान तरक्की करेगा। और आप देखते हैं कि छोटा सा दाना जमीन में किसान बोता है, उसको पानी देता है, वो पौधे की शक्ल में उगता है, उसको खाद देता है और मुख्तलिफ किस्म की जो घास फूस उसके अतराफ उगती है तो उसको निकाल के सफाई करते रहता है, बराबर उसकी निगरानी और निगेबानी और निगहदाश्त करते रहता है, तो वो दरख पौधा एक दरख की शक्ल में रोजाना बराबर उसको दरख़ी जमीन मिले और साफ सुथरी हवा मिले, सूरज की तमाजत और गर्मी मिले और मौसम बेहतरीन मौसम नसीब हो तो वो दरख्त जल्दी से परवान चढ़ेगा। तो ईमान के दरख्त के लिए भी जितना आदमी नमाजों में फराइज में इहतमाम करेगा, फर्ज रोजे फर्ज नमाजें फर्ज हज फर्ज उमरा के अलावा नवाफिल का इहतमाम करेगा, नफिल नमाजें नफिल रोजे नफिल नफिल हज और फर्ज जकात के अलावा नफिल सदकात और खैरात करता जाएगा, बंदों के हकूक के मामले में वो खूब एहतमाम करता रहेगा उनके अदायगी के सिलसिले में, और इसी तरीके से अल्लाह के हकूक का भी वो पाबंद रहेगा तो उसका ईमान रोजाना परवान चढ़ेगा तरक्की करेगा और मजीद उसके ईमान के दरख्त में फल फूल लगेंगे और वो हमेशा वो समरा होता रहेगा। इस हदीस में एक खास बात ये मालूम हुई कि जुबान की हिफाजत से दर हकीकत आदमी अपने ही इस्लाम की हिफाजत करता है। इंसान की जुबान बज़ाहिर देखने में बगैर हड्डी के गोश्त का टुकड़ा है, अल्लाह ने उसको एक मजबूत दांतों के बाड़ के दरमियान रखा है। मैंने गुज़श्ता दरस में आपको बताया था कि अल्लाह ताला की तख्लीक का एक अजीम शाहकार है जुबान, देखने में छोटा सा गोश्त का एक टुकड़ा है लेकिन छोटे से टुकड़े में आप जब बोलते हैं तो 17 जगह से हरूफ बनते हैं अदा होते हैं, हरूफ के निकलने के मखारिज के जो मकामात हैं वो 17 हैं, और इस छोटे से जुबान के गोश्त के टुकड़े में 10,000 जायका खाने अल्लाह ताला ने रखे हैं। आप कोई भी चीज चखते हैं, खारी है कड़वी है मीठी है शीरीन है लजीज है जायकादार है, फौरन नमकीन है तो पता चल जाता है जुबान के अंदर टेस्ट ट्यूब होते हैं जायका खाने होते हैं। तो बहरकैफ इस छोटे से गोश्त के टुकड़े में जिसमें कोई हड्डी नहीं होती है लेकिन अल्लाह ताला ने ये निहायत अजीम शान अल्लाह की तख्लीक है, ये शाहकार है, यही जुबान है। अगर आप उसकी हिफाजत करेंगे तो जुबान के जरिए से नेकियां भी कमा सकते हैं और बड़े से बड़े गुनाह भी इस जुबान से सरजद होते हैं। तो मेरे भाइयों और दीनी भाइयों इस्लामी माँ बहनों,
चलिए आज अक्सर सभी जायजा लेकर हम अपनी जिंदगियों को के अंदर झांक कर देखते हैं कि कहां तक हम अपने मुस्लिम माशरे के हक में नफा पर साबित हो रहे हैं, कहीं हमारी जात से किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंच रही, कहीं हमारे समाज को हमारी जुबान और कलम और किरदार से कोई गिले और शिकवे तो नहीं, हमारे लेन देन और मामला से किसी को गिले और शिकवे तो नहीं, और कहीं हमारे अखलाक और किरदार की वजह से कोई हमसे बदजन तो नहीं है। संजीदगी के साथ, ठंडे दिल और दिमाग के साथ जायजा लेकर देखें और अगर हमसे कोताही और तकसीर हो रही है तो अल्लाह से दिल से तौबा कर लें, और तौबा का बेहतरीन तरीका यही है, अगर उसका ताल्लुक हुकूक और लिबास से है तो जिस शख्स से, जिस फर्द से, जिस जमात से हमारे तकसीर और कोताही का ताल्लुक है उससे माफी मांग लें, और अगर वो माफ कर देता है तो आखिरत में वो हमसे नेकियों की शक्ल में पेमेंट नहीं लेगा। तो मेरे भाइयों, इस हदीस में एक निहायत अहम बात की तालीम दी गई, वो ये है कि हम अपनी जुबान की खास हिफाजत करें, हमेशा सोच समझ कर जची तुली गुफ्तगू करें, क्योंकि सोच समझ कर कही जाने वाली जो बात होती है बड़ी अहमियत और वजन रखती है, और जब भी आप कुछ बोलने का इरादा करें पहले अच्छी तरह से सोचें, फिर शरीयत की मिजान में, शरीयत इस्लाम की तराजू में उसको तोलें, क्या इस बात से मेरी इस बात से अल्लाह राजी होगा या नाराज होगा, सामने वाले की कहीं दिलचस्पी तो नहीं होती, सामने वाले की कोई दिल आजारी तो नहीं होती, मेरे सामने जिससे मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, जिससे मैं बोलने जिसको कहने जा रहा हूँ उसके इज्जत नफ्स को ठेस तो नहीं पहुंचेगी, उसका वकार उसके वकार को जख्मी तो जरा तो नहीं लगेगी। इसलिए मेरे भाइयों, पहले अच्छी तरह से सोचो तो लो फिर बोलो, ये हिकमत जो है ना बड़ी मुख्तसर सी है, लेकिन अगर इस हिकमत पर हम सब अमल करें तो इस्लामी माशरे के तमाम अफराद की सारी उलझने, शोहर बीवी का एहतराम करे, बीवी शोहर का एहतराम करे, भाई बहन का एहतराम करे, बहन भाई का एहतराम करे, बच्चे माँ बाप का एहतराम करें, माँ बाप अपने बच्चों के पर रहम करें, शफकत करें, तो इस तरह से हम एक दूसरे के काम आएंगे। और अच्छी तरह से एक और कलीदी हकीकत याद रखने के लिए, वो ये है तलवार के जख्म, चाकू से, छुरी से चलगने वाले जख्म, ब्लेड से लगने वाले जख्म मुंदमिल तो हो जाएंगे, चंगा तो हो जाएंगे, अच्छे तो हो जाएंगे, लेकिन जुबान के जो जख्म है निहायत खतरनाक होते, पहले दिल को घायल और जख्मी करते हैं, जिस्म पे जुबान के आप किसी को गाली दें, बुरा भला बोलेंगे तो उसके जिस्म को तो कोई अजियत नहीं पहुंचेगी, अजियत कहां पहुंचेगी, दिल को, पहले दिल को घायल और जख्मी करते हैं, फिर खानदान घर की बर्बादी और आल औलाद की तबाही की शक्ल इख्तियार करते हैं। इसलिए जुबान को हरकत, बगैर हड्डी वाली जुबान को हरकत देने से पहले हजार मरतबा सोचें, फिर अपने जुबान को कंट्रोल में रखते हुए समझदारी के साथ अपने जुबान से जो भी अल्फाज हम निकालें दूसरों के जज्बात से खिलवाड़ न करें, किसी के एहसास से हम खिलवाड़ न करें, किसी की इज्जत से खिलवाड़ न करें। जुबान ही एक ऐसी चीज है मेरे भाइयों, इंसान को तख्त से फर्श पर गिरा देती है, और जुबान ही के इस्तेमाल से इंसान फर्श नशीन भी तख्त नशीन हो सकता है। यूसुफ अलैहि सलाम को देखें, जेल में थे, जेल से निकले, बादशाह वक्त के सामने उन्होंने बड़ी संजीदा इल्मी गुफ्तगु की, तो इसी गुफ्तगु के नतीजे में बादशाह ने कहा तो बड़े समझदार, बड़े अकलमंद हैं, ऐसे इंसान की हमें सख्त जरूरत है जो हमें माली बहरान से कहर के कहर से निजात दिलाए, मिस्र को वजीर खजाना बाद शुरू में बना दिया और बाद में पूरी हुकूमत करा कि आप हम बराए नाम रह जाएंगे, आप हुकूमत करें। इसी जुबान की बदौलत झगड़े भी होते हैं, एक दूसरे के लोग जो गिरेबान पकड़ने वाले होते हैं, अगर आप अच्छे बोल बोलें, शीरी बोल बोलें,
मीठे बोल में जादू होता है कहते हैं, तो झगड़ने वाले एक दूसरे के गरिमा पकड़ने वाले बाहम शीरो शकर भी हो जाते हैं। तो इसी जुबान से फितना और फसाद, लड़ाई और झगड़ों की वो आग भी भड़कती है जो अफराद को नहीं, जमातों को नहीं, बल्कि कई मुल्कों को भी तबाह कर देती है। ये जुबान निहायत खतरनाक चीज है, इसको हमेशा काबू में रखने की जरूरत है, इसको हमेशा लगाम देने की जरूरत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, हजरत अबू सईद खुदरी बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा अस्बह इब्न आदम काल सारिर जसद लिल लिसान इत्तकिल्लाह फीना इन्नमा नहनु बिक इन इस्तकमती इस्तकमना वइन इअवजजती इअवजजना। जब आदमी सुबह सवेरे सुबह करता है तो उसके तमाम आजा, हाथ पैर, आंख, नाक, कान, दिल, दिमाग सब जुबान से मन्नत और समाजत करते हुए कहते हैं, अल्लाह से डरते रहना हमारे बारे में, क्योंकि हम तेरी रहम और करम पर हैं। जुबान हरकत में आती है, मार कौन खाता है, जिस्म के सारे आजाद जवारे मारता है, उन पर मार पड़ती है। तो सारे बंदे समाज करते रहते हैं कि हमारे बारे में अल्लाह से डरते रहो, क्योंकि हम तेरे ही रहम करम पर हैं। अगर ऐ जुबान तू ठीक रहेगी तो हम भी खैर वाफे से रहेंगे, तूने कोई गलत रवैया इख्तियार किया तो फिर हम भी भटक जाएंगे, हमारे अंदर भी कही आएगी, तूने कोई गलत रास्ता इख्तियार किया तो उसका अंजाम कौन भुगतेंगे। सारे आदा कहते हैं तुम तो अंदर महफूज रह जाती हो और कभी कभी जुबान पे भी चोट आ जाती है, लेकिन अक्सर क्योंकि वो दांतों के दरमियान रहती है महफूज रहती है। चेहरा सूज जाता है, जिस्म फूल जाता है, मार खा खा के आदमी। तो मेरे कहे साथी हो, आज आप जितने बड़े बड़े गुनाह वबा की तरह जो आम हैं, इनसे महफूज रहने वाले बहुत कम लोग हैं, उन सब का ताल्लुक जुबान से है। जुबान को कंट्रोल में रखने की जरूरत है। एक किस्सा इबरत के लिए लोग बयान करते हैं, लुकमान हकीम का नाम आप सभी लोगों ने सुना है। उन पर एक जमाना ऐसा भी आया कि वो गुलाम थे किसी, पुराने जमाने में जमाने जाहिलियत में इंसानों को जानवरों की तरह बेचा और खरीदा जाता था। तो उनके मालिक ने एक मरतबा कहा, मियां देखो ये बकरी जो नजर आ रही है ना तुमको, जाओ इसको जबा करो, उस बकरी का जो बेहतरीन हिस्सा है वो मेरे सामने लाके रख दो। गए जुबा किया बकरी को, और दिल और जुबान लाके एक बर्तन में एक तबक में लाके अपने मालिक के अपने आका के सामने रख दिया। फिर 2-4 दिन के बाद उनके आका ने कहा, दूसरी बकरी यहाँ खड़ी है, इसको जुबा करो, इसका जो बदतरीन हिस्सा है उसके जिस्म का वो लाके मेरे सामने पेश कर दो। फिर उन्होंने बकरी जिबा की, गोश्त काटा, फिर दिल और जुबान अपने मालिक के सामने पेश किया। तो वो कहने लगे ये क्या माजरा है, देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ उसको, पहले मैंने कहा तो तुमने दिल और जुबान ही लाके दिया और अब भी मेरे सामने दिल और जुबान ही पेश कर रहे हो। तो लुकमान हकीम ने कहा, मेरे नजदीक तो हजरत मामला ऐसा ही, यही दिल, उन्होंने कहा यही दिल और जुबान अगर पाक हो तो इनसे बेहतर कोई चीज नहीं। जुबान आदमी के पाकीजा हो, अच्छे बोल बोले, अल्लाह की तस्बीह बयान करे, कुरान की तिलावत करे, हदीस का अपनी जुबान से हदीस पढ़े, कुरान की तफसीरें पढ़े, दीन सीखे, दूसरों को दीन सिखाए, ये जुबान नेकियों का एक बड़ा समय आपके नामे आमाल में रोजाना भेजती रहेगी। इसी के बजाय अगर आदमी गंदे बोल बोले, गैर फहमीदा तर्ज़े गुफ्तगू इख्तियार करे, हर किसी को अपनी जुबान से इज्जत पर या दूसरों की इज्जत पर हमले करता रहे, तो नेकियों का सरमाया कमाने के बजाय बुराइयों की घीर उसके नामे अमल में जाते रहेंगे। तो नापाक अगर हो दिल और जुबान तो इनसे बुरी कोई भी चीज नहीं, बद से बदतरीन चीजें दिल और जुबान ही है। इससे मालूम हुआ कि जुबान के इस्तेमाल में एक इंसान को किस कदर एहतियात करने की जरूरत है। दीगर तमाम आजा की सलामती
दीगर इंसान के तमाम आजा की सलामती जुबान को कंट्रोल करने में, जुबान को काबू में रखने में, उसको बेलगाम नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी कोई झगड़ा होता है तो मारपीट जिस्म को ही बर्दाश्त करनी पड़ती है, जुबान को मुमकिन है कुछ चोट आ जाए, कुछ असर पड़ जाए, लेकिन बार दफा जुबान चल जाती है और आदमी इतना मार खाता है कि मौत की नींद ही सो जाता है। इसी जुबान पर मेरे भाइयों जन्नत और जहन्नम का फैसला, इसी जुबान के सही और गलत इस्तेमाल पर जन्नत और जहन्नम के फैसले का भी फैसला भी मौकूफ। हम सही इस्तेमाल करेंगे जन्नत को हासिल करने वाले बन जाएं, गलत इस्तेमाल करेंगे तो जहन्नम में भी ले जा सकते हैं हमको ये जुबान। इसलिए बड़े होशियार रहने की जरूरत। मुशाहिदीन और काबिल एहतराम सामीन, अल्लाह आप सबको खुश रखे। आपको मुझे अपनी जुबानों को कंट्रोल करने की तौफीक अता फरमाए। इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाली मोमिन, एक मिसाली मुसलमान का जो तारुफ करवाया है वो यही है कि एक मिसाली मोमिन, एक मिसाली मुसलमान, उसका वजूद, उसकी ज़ात दूसरों के लिए खैर और भलाई का मंबा सरचश्मा होती है, उसकी जात दूसरों के लिए नफा बख्श होती है, दूसरों के लिए कोई तकलीफ पहुंचाने का और अजियत देने वाली नहीं होती। इसमें यहाँ एक खास तौर से एक बात नोट करने की है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल मुमिनु मन अमिनहु الناس على دمائهم واموالهم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده। तो यहाँ जो तारुफ करवाया है मिसाली मोमिन, एक मिसाली मुसलमान का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अमन पैगाम, एक मुसलमान जो खालिस मोमिन होता है तो वो अमन का पैगाम भर होता है और सलामती दूसरों को खुद भी सलामत रहना चाहता है, सलामत रहने का रवैया अख्तियार करता है और दूसरों को भी सलामत रहने की तलकीन करता है। दूसरे उसको देख के कहते हैं कि वाकई में ये बड़ा मरंज मरंज किस्म का इंसान, ये बड़ा अमानतदार इंसान है, ये किसी को आज तक तकलीफ इसने नहीं दी है। एक मिसाली मुसलमान हमेशा अपनी जुबान को कंट्रोल में रखता है, कभी बेलगाम नहीं छोड़ता, अपनी जुबान और दीगर आज़ा को अल्लाह की मर्जी मंशा के मुताबिक इस्तेमाल करता है। दूसरों को गाली गुलज देना ये उसका शेरवार शार नहीं होता, हमेशा वो कभी किसी को दुष्नाम तराजी नहीं करता, लान तान नहीं करता, तंदो तचनी नहीं करता, किसी पर ना जाए तबसरे नहीं करता, किसी को ना हद पे तनकीद नहीं बनाता, वो ना किसी की इज्जत पर डाके नहीं डालता, वो बगैर किसी वजह के किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं करता, वो किसी के वकार और किरदार को दावदार नहीं करता, किसी को नाहक ना मारता है ना वो किसी पर वो हमला करता है, ना ही किसी के नाहक किसी के माल को नाजायज कब्जा किसी की दौलत पर जमा कर बैठ जाता है। सारी मोमिन तो हमेशा अल्लाह से डरने वाला होता है, सारी मुसलमान तो हमेशा खौफे खुदा उसके दिमाग में दिल में भरा हुआ होता है, उसका वजूद दूसरों के लिए सरापा सआदतमंद होता है, नफा बख्श होता है, राहत बख्श होता है, आरामदेह होता है। तो मेरे भाइयों और बहनों अल्लाह आप सबको खुश रखे। आप सोच रहे होंगे कि ये तभी चीज है, आपके जहन में सवाल पैदा हो रहा होगा कि यार ये तो मौलाना बड़े दूसरों को तकलीफ मत दो, दूसरों को अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो, तो किसी को तकलीफ देते ही नहीं। कभी हम तकलीफ देते होते हैं लेकिन हमें उसका एहसास नहीं होता, हमें उसका शोर नहीं होता कि हमारी जुबान जब चलती है तो दूसरों के जज्बात मजरूह होते हैं, दूसरों की इज्जत से हम खिलवाड़ करते हैं, सामने वाला महसूस करके दुख महसूस करके अंदर ही अंदर घुटते रहता है, क्योंकि हम एक ऊंचे मकाम पर हैं, ऊंचे ओहदे पर हैं और हमारे सामने वाले को हमेशा इधर इस तरह से अगर हम झिड़क के बुलाएंगे मेरे भाई इधर आइए ना, दोनों में फर्क है। पहले जुमले में बाजार आज तो आ जाएगा क्योंकि उसका नौकर है, मुलाजिम है, दूसरे जुमले में वो अपने इज्जत महसूस करेगा, मुझे उन्होंने इज्जत दी,
वो आपको भी इज्जत से अपने इज्जत की निगाह से देखेगा। वो पहले हुक्म की तामीर तो करेगा लेकिन आपके जो उसके दिल में आपकी इज्जत नहीं होगी। हम दूसरों को जो तकलीफ और अजियत देते हैं उसके मजाहिर क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं। उसके मजाहिर मुख्तलिफ हैं, तरीके मुख्तलिफ हैं। कभी अक्सर और बेशतर क्या करते हैं, हम अपनी जुबान बेलगाम से दूसरों को जुबान से जो बड़ी तकलीफ देते हैं, ये जुबान जब चलती है तो शौहर बीवी को तकलीफ देता है, बीवी शौहर को तकलीफ देती है, बच्चे माँ बाप को तकलीफ देते हैं और कभी माँ बाप भी अपने बच्चों को तकलीफ देते हैं। कभी हमारे कलम और कागज से भी जो दूसरे लोगों को अजियत और तकलीफ पहुंचती है, लिखने का जो अंदाज है हमारा वो सामने वाला पढ़ते ही तकलीफ महसूस करता है। और इसी तरीके से कभी हमारे हाथों और हमारे आंखों के इशारे किनारे से भी दूसरों को अजियत और तकलीफ पहुंचती है। कभी जिसको हम्ज और लम्स कहते हैं अरबी में, कभी हम अपनी वादा खिलाफियों के जरिए से दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं, वादा खिलाफी करते हैं तो हमारे वादा खिलाफी की वजह से दूसरों को तकलीफ होती है, वादा करके वादे पूरा नहीं किया। कभी हम अपनी अमानतों में ज्यादत करके दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं। कभी हम अपनी किस बयानी दुरो बयानी झूठी बातों से भी हम दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं। कभी हम झूठी कस्में खाकर दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं। कभी झूठी गवाही देकर दूसरों का हक छीन कर तकलीफ पहुंचाते हैं। मेरे भाइयों, कभी हम अपने किए गए अहद पैमान खुद मवासिब को तोड़कर दूसरों को तकलीफ और अजियत पहुंचाते हैं। और कभी हम अपने करीबी और दूर के रिश्तेदारों के रिश्तों के जो मजबूत बंधन है उसको तोड़ के कतई रहमी करके, बल्कि बाद लोग तो मरने से पहले कहते हैं मैं मर भी जाऊं तो फला मेरा रिश्तेदार मेरे जनाजे में नहीं आना चाहिए। जिंदा जब तक हो तो कतई रहमी तो कर रहे हो, मरते वक्त भी कहते रहे कि गुनाह की वसीयत करके मर रहे हो। मेरे भाइयों, अल्लाह आप सबको खुश रखे। ये तकलीफ दूसरों को तकलीफ देने के मज़ाहिर हैं। कभी हम देखकर दूसरों को अपने चेहरे पर बल लाते हैं और जैसे ही हमारे चेहरे पर बल लाते हैं तो सामने वाला तकलीफ महसूस करता है। हमारे गैर फहमीदा तर्ज गुफ्तगू से दूसरों को तकलीफ पड़ती है। कभी हम तबस्सुम आमेज तबस्सुम रेत गुफ्तगू करने के बजाय फहमीदा तर्ज गुफ्तगू इख्तियार करने के बजाय तकब्बुर का अंदाज घमंड का अंदाज उसलूब इख्तियार करते हैं तो सामने वालों को तकलीफ पहुंचती है। कभी हम अपनी बुलंद आवाज से लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं शोरगुल करके। कभी हम या हमारे बच्चे रात काफी हो चुकी है, पड़ोसी सो चुके हैं, अपने घर का टीवी सेट की आवाज बुलंद करते हैं तो अपने हमसाए अपने पड़ोसी लोग उसकी वजह से तकलीफ महसूस करते हैं। ये सब तकलीफ के मजाहिर हैं। सन्नाटा छाया हुआ लेकिन हमारे घर की टीवी की आवाज इतनी बुलंद हो रही है कि बाजू के पड़ोसी सो नहीं पा रहे और वो अब डर के मारे आपका पास पैसा है दौलत है और आपके नौकर चाकर है वो गरीब है तो आपका दरवाजा खटखटाने की भी उनके अंदर हिम्मत नहीं, लेकिन वो अंदर ही अंदर घूमते रहते हैं तकलीफ महसूस करते हैं। कभी हम गाली गलौज के जरिए से दुश्नाम तराजियों के जरिए से तानों के जरिए से दूसरों को तकलीफ देते रहते हैं। कभी हम अपनी बेईमानियों और बदगुमानियों की वजह से भी दूसरों को तकलीफ देते हैं। कभी हम अपनी बेवफाइयों से दूसरों को अजियत पहुंचाते हैं और तकलीफ देते हैं। कभी हम अपनी धोखाबाजियों से फरेबकारियों से मुलम्मा साजियों से और गद्दारियों से दूसरों को अजियत और तकलीफ देते हैं। कभी हम अपने बदसलूकियों से बुरे रवैयों से बदगुमानियों से गलत फहमियों की वजह से भी दूसरों को तकलीफ देते रहते हैं। कभी हमें उसका एहसास होता है और अक्सर बेशतर हमें उसका एहसास भी नहीं होता। तो मेरे दीनी भाइयों, हमारी एक एक अदा से दूसरों को अजियत और तकलीफ पहुंचती है लेकिन हम सबको उसका एहसास करना चाहिए। अगर हमने दूसरों को तकलीफ पहुंचाया और तकलीफ देने वाले से माफी नहीं मांगी तौबा नहीं किया और वो कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने मजलूम के हिस्से से आपका दामन पकड़ के खींच के ले जाएगा, वहाँ पेमेंट आप करना चाहेंगे तो रुपया पैसा डॉलर रियाल दीनार दिरहम नहीं होगा, वहाँ नेकियों में पेमेंट करेंगे, नेकियाँ ख़त्म हो जाएंगे तो मजलूम के गुनाह उठाकर जालिम के सर पे थोप दिए जाएंगे।
इसलिए हमेशा याद रख, एक तवील हदीस है हजरत मआद बिन जबल की, एक सफर के मौके पर अल्लाह के नबी के साथ जा रहे थे, तो कहा कि अल्लाह के नबी आप मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जो मुझे जन्नत में ले जाए और जहन्नम से दूर करे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़ा सवाल किया, बड़ा अजीम सवाल किया, बहुत प्यारा सवाल किया है। ये है तो सवाल बहुत अजीम, लेकिन ये उस पर आसान है जिसको अल्लाह, मैं जो बातें बताने जा रहा हूँ उस पर अमल करने वाले को अल्लाह तौफीक अगर दे तो ये बहुत आसान चीज है, जन्नत में रह जाने वाले आमाल। अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना, अल्लाह के इबादत में किसी को शरीक ना करना, फिर उसके बाद नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रमजान के रोजे रखो, बैतुल्लाह का हज करने के अल्लाह ने इस्तेआज़ा दी तो हज करो, बहुत सारी चीजें बताने के बाद आपने कहा कि इन सब तमाम चीजों के बारे का दार मदार एक चीज है, वो ना बताओ तुमको क्यों नहीं अल्लाह के नबी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान बाहर निकाल कर अपनी जुबान पकड़ी, कहा इसको कंट्रोल में, तुम इसको कंट्रोल में रखोगे तो तुम्हारी नेकियां महफूज, तुम्हारी जुबान चलती रहेगी, दूसरों की इज्जत से खिलवाड़ करते रहोगे, दूसरों के जज्बात को मजरू करते रहोगे, उस जहन्नम में ले जाने वाला अमल है ये। तो इसलिए मेरे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकियों के तमाम कामों का दारोमदार जुबान की हिफाजत को बताया, यहाँ तक के जन्नत और जहन्नम की राहें भी हमारी जुबान ही मुतय्यन करती है। सही बुखारी में एक रिवायत, इमाम बुखारी ने किताबुल अदब में باب حفظ اللسان وباب قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او يصمت, इस बाब में और भी कई अबवाब में, दो तीन अबवाब में ये हदीस लाए हैं। कहते हैं हजरत साहब बिन साद इस हदीस के रावी हैं, अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मन यज़मनु ली मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मनु लहु जन्नत। हजरत साहब बिन साद का बयान है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझे अपने दोनों जबड़ों के दरमियान और दोनों टांगों के दरमियान की चीजों की जमानत दे कि मैं सही उनका इस्तेमाल करूंगा तो मैं उसे जन्नत की गारंटी दे सकता हूँ। जुबान, दोनों जबड़ों के दरमियान क्या रहती है? जुबान। और दोनों टांगों के दरमियान शर्मगाह, तो शर्मगाह का जायज इस्तेमाल सिर्फ अपनी बीवी के साथ उसको इस्तेमाल करें। और भी किताबुल अदब में बाब हफ्ज़ लिसान में इमाम बुखारी ने बहुत सारी रिवायतें जिक्र की हैं, तफसील का मौका नहीं। तो मालूम हुआ कि दुनिया में ज्यादातर झगड़े और फसादात का सबब क्या है? जुबान। जुबान की बेख्तियारी की वजह से ही झगड़े होते हैं, सामने वाले की इज्जत का ख्याल नहीं, उसके मर्तबे मकाम का ख्याल नहीं। हर इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी भी अपना एक वकार होता है, उसकी भी अपनी एक इज्जत होती है। तो इंसानों में जितने बड़े बड़े गुनाह सरजद होते हैं अक्सर का ताल्लुक जुबान से होता है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुबान को काबू में रखने के बारे में बहुत से अहादीस में यही पैगाम दिया है। तो मेरे भाइयों, दिल और जुबान ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसान के जिस्म में आज़ा हैं, इसके अलावा शर्मगाह ये भी बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि ख्वाहिशात नफ्सानी को अगर सही रुख ना दिया जाए तो गलत रुख पे गलत काम कर सकती है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबान और शर्मगाह की हिफाजत पर जन्नत की जमानत की गारंटी दी। एक हदीस में उसी बात में एक और हदीस है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अन अबी हुरैरा तसमीअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल इन्नल अब्द यतकल्लमु बिल कलिमति मा यतबय्यनु फीहा यज़िलु बा फिन नार अब्अद मिम्मा बैन अल मशरिक। रवाहु बुखारी किताबुल अदब बाब हफ्ज़ुल लिसान। और भी दूसरे अबाब में जिक्र किया,
क्या आपने नमाज पढ़ी?
नमाज की बात करते हैं, हम तो अभी थोड़ी देर पहले काबे में थे, काबे के दीदार के लिए पहुंचे हुए, अब उधर के सामने कुत्ता उनके बर्तन में मुंह डाल के खा रहा, उनको नजर नहीं आ। तो ऐसे भी लोग हैं दुनिया इस आयत का या अय्युहल लज़ीना आमनू ज़ुरु फ़िस्सिन्नि काफ़ा, ऐ ईमान वालों इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ, इसका एक माना मुफस्सिरीन ने किया है, ऐ अहले ईमान, ऐ ईमान वालों पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ, शैतान के नक्शे कदम की पैरवी मत करो, बेशक शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। इसका मतलब यह है कि इस्लाम को बहसीत एक जामे और मुकम्मल दीन और कामिल निज़ाम हयात के अपनाओ, और इंसान के सर की चोटी से लेकर कदम के निचले हिस्से तक अपने आप को मुकम्मल तौर पर सारे के सारे इस्लाम में दाखिल कर लो। हमारे सर, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी नाक, हमारे चेहरे, हमारी जुबानें, हमारे दिल, हमारे दिमाग, हमारे हाथ, हमारे कदम, हमारी रफ्तार, हमारी गुफ्तार, हमारे अखलाक और किरदार, हमारे आदात और अतवार, हमारे हरकत और सकनात, हमारे लिबास, हमारी वजाकत, हमारी तराश, हमारी रविश, हमारे चाल चलन, हमारा उठना बैठना सोना जागना, सब कुछ इस्लाम के तरीके पे हो। ये नहीं कि कुछ चीजें जो हमें पसंद है उसको मान लिया, उस पर अमल कर लिया, जो चीजें हमारे तबीयत के लिए भारी पड़ रही है उसको छोड़ दिया, नहीं। और अपने पड़ोसियों के साथ जो ताल्लुक है वो इस्लाम की बुनियाद पे हो, हमारे बीवी बच्चों के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं और जो हुस्न सुलूक मतलूब है वो इस्लाम के उसूलों के मुताबिक हो, हमारे रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी का जो उसूल है, जो उसूल है, रबते हैं उनके मुताबिक हम मामला करें, हम अपने और गैरों के साथ लेन देन के मामला में कभी कजी नहीं आनी चाहिए। इसका मुख्तसर यह है मेरे भाइयों, अपने जाहिर में, अपने बातिन में, अपने खलवतों में, अपने जलवतों में, जिस्म के सारे हिस्सों पर इस्लाम जारी और सारी होना चाहिए, मुकम्मल तौर पर हम इस्लाम के साचे में हमको ढलना चाहिए, इस्लामी रंग में रंग कर इस्लाम के सुनहरे हुस्नों के हम ताबे हो जाए, हमारी निगाहों को कोई देखे तो पहचान ले कि ये मुसलमान की निगाह है, ये मोमिन की निगाह है, किसी अजनबी औरत का गुजर हमारे सामने से हो तो हमारी निगाहें उसका पीछा करने के बजाय क्या करें, बोले बस तो झुक जाए, अचानक निगाह पड़ना अलग बात है और उस निगाह को मुसलसल उसका पीछा करना अलग बात है। तो लोग दूसरे देख के हमें कहें कि ये मुसलमान आ रहा है, ये मोमिन के रविश और चाल है, ये अमानतदारी के मुजस्सम है, ये सच्चाई के पैकर हैं, ये हर गोरी और बेबाकी का जौहर है, ये वादा वफाई और वफा शिहारी के दिलदादा है, हमारे दिल दिमाग में तकवा, तहारत, पाकीज़गी, हिब्बत, पाकदामनी, दूसरों के लिए इशारा कुर्बानी के जज्बात से हमारे दिल मामूर होने चाहिए। ये है मुकम्मल इस्लाम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तदरक हाकिम और इसी तरीके से मुसनद अहमद और इमाम बुखारी के बहुत बड़े शेख हैं इसहाक बिन राहवे, जिनके इशारे पे इमाम बुखारी ने सही बुखारी लिखी। आज हम और आप जो सही बुखारी पढ़ रहे हैं, उनके उस्ताद ने इमाम बुखारी भी उस मजलिस में थे, कहा कि काश कोई तालिब इल्म जवान हिम्मत करे और सही अहादीस का एक मजमुआ इकट्ठा करके दुनिया के लिए आसानी पैदा करे। तो कहते हैं उसी मजलिस में उसी दिन से मेरे दिमाग में आया कि मैं ये काम करूँ। 16 साल की अनथक हम मुसलसल मेहनत के बाद एक एक हदीस को सही बुखारी में दाखिल करने से पहले उसने जनाबत की तरह गुस्ल करते, नमाज के लिए जैसे वजू किया जाता है वजू करते, 2 रकात इस्तिखारा की पढ़ते, सनद को छांटने तहकीक करने के जो सख्त से सख्त उसूल हो सकते थे इमाम बुखारी ने अपनाए, फिर उसके बाद जब उनको अच्छी तरह से अल्लाह की तरफ से इल्हाम होता है, यकीन होता है कि ये हदीस सही है, तो फिर सही बुखारी में उसको जगह देते। मुसनद अहमद में और मुसनद इसहाक बिन राहवे में ये रिवायत मौजूद है और हसन दर्जे की रिवायत है शेख शुएब अल-अरनऊत जो मुसनद अहमद के महक़्क़िक़ हैं, 52 जिल्दों में छपी है
मुस्नद अहमद और चार जिनमें उसके इंडेक्स हैं सिर्फ। तो बल्कि हजरत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं। इस हदीस में दो खवातीन का किरदार पेश किया गया है, सहाबा अल्लाह के नबी के सहाबा। एक मजलिस में अल्लाह के नबी से सवाल पूछे और इस हदीस कहा गया कि इन फुलाना तुसल्ली लैल व तसुमुन नहार व फी लिसानिहा शैउन तुदी जिराना शैउन युदी जिराना सलीतुन। एक खातून बड़ी इबादत गुजार, बहुत इबादत गुजार है, हद दर्जा इबादत गुजार, फर्ज नमाजें, फर्ज रोजे और रखने के बाद नफली नमाजें, क़ियामुल लैल तहज्जुद गुजार, दिन में रोजा रखना, रात में तहज्जुद पढ़ना, पांच वक्त की नमाज की तो पाबंद है ही है, लेकिन उसकी हल्की सी कमजोरी है वो ये कि बात बात में अपने हमसाए अपने पड़ोसियों को जुबान से तकलीफ देती है। फी निसानी है शैतान, एक मामूली सी कमजोरी है सहाबा किराम ने तो जानना चाह कि उसका अल्लाह के पास अंजाम क्या होगा, मकाम क्या होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला खैर फिया, उस खातून ने चाहे वो कितनी भी नमाजें पढ़ ले, तहज्जुद पढ़ ले, दिन में रोजे रख ले, लेकिन वो अल्लाह के बंदों को बंदियों को तकलीफ देती है, अजियत पहुंचाती है, उसके अंदर कोई खैर नहीं है, ये फिर ना वो जहन्नम में जाए। अल्लाह ताला ऐसी औरत को जहन्नम नसीब कर देंगे। फिर एक दूसरी खातून का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तज़किरा किया गया, कहा गया कि इन फुलाना तुसल्ली मक्तूबा व तसुम रमजान व ततसद्दक बिल अथवार। एक औरत के बिलमुकाबिल बरक्स सिर्फ फर्ज नमाजें पढ़ती है, फर्ज रोजे रखती है और उसके पास माल और दौलत इतना ज्यादा नहीं है कि वो सदका और खैरात कर सके, पनीर कभी कुछ बच्चों के बीच शौहर के घर वालों के खाने के बाद थोड़ा सा बच जाता है तो उसको सदके में दे देती है, भले ही उसके इबादत का कोई खास तज़किरा नहीं, लेकिन एक बात उसके अंदर है, खूबी उसके अंदर है, बोला तो दी अहदन, किसी को भी वो अपनी जुबान से तकलीफ नहीं देती, अपने हाथ पैर से तकलीफ नहीं देती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ही फिल जन्नत, वो जन्नत में जाए। जुबान की हिफाजत करने से, जुबान को काबू में रखने से, जुबान को कंट्रोल में करने से, जुबान को लगाम देने वाला अमल जन्नत पे ले जाने वाला है। जुबान को बेलगाम छोड़ना, जुबान को बेकाबू रखना, जुबान का इस्तेमाल अच्छा हो या बुरा बगैर सोचे समझे इस्तेमाल करना जहन्नम में ले जाने वाला अमल। तो मेरे भाइयों, मालूम यह हुआ कि जब हमसाये को जुबान से तकलीफ देने वाली खातून बावजूद फर्ज नमाजों का एहतमाम उसके पास देखें, क़ियामुल लैल तहज्जुद की नमाजें भी दिन में रोजेदार रात में तहज्जुद की नमाज दिन भर रोजा इतनी बड़ी इबादत गुजार, इसके बावजूद भी जुबान से तकलीफ देने वाली हमसाये को तकलीफ देने वाली जानने में जाए, तो अपने शोहर पर कैंची की तरह जुबान चलाने वाली कहा जाएगी? आप फैसला करें, मैं बोलना नहीं चाहता, आप अंदाजा लगाए। तो पड़ोसी से ज्यादा कौन ज्यादा काबिल एहतराम है औरत के पास, उसका मोहसिन कौन? शोहर बोलो क्यों करते हो, कोई खातून नहीं है। इसी तरह मेरे भाइयों, मालूम यह हुआ कि दूसरों को जुबान से तकलीफ देना इस हदीस से मालूम हुआ बहुत बड़ा गुनाह है। बड़ी बड़ी इबादतें जाहिर हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, आदमी को ये जहन्नम में ले जाने वाला अमल। मेरे और आपका की बात ही कौन कह रहे हैं, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। इसी तरीके से दूसरों को अपनी जुबान से, अपने हाथ पैर से, आज़ाए जिस्म से तकलीफ देना, तकलीफ का सबब बनना इतनी बड़ी बुरी बला है, बड़ी आफत है कि इंसान के सदकात और खैरात भी ज़ाहिर हो जाते हैं। कुरान मजीद में ये आयत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अय्युहल लज़ीना आमनू ला तुक्तिलू सदकातिकुम बिल मन्नी वल अदा। अब
सदका खैरात करके एहसान जताने वाले का अमल सदका का अजर चला गया। अजियत दिया तुमने, कई साल तक किसी गरीब की मदद की, थोड़ी सी बातों में आपस में थोड़ा सा इख्तिलाफ होते ही सारा पुराना किया एहसान सबके सामने भूलते फिर रहे। इसको अगर मैंने उस वक्त मदद में किया होता तो ये तो गया होता काम से। इसको हमने रोटी खिलाई, इसको हमने कपड़े दिए, इसको इसका कर्जा हमने अदा किया, लोगों के सामने उसकी बेइज्जती करते रहेंगे तो जितना तुमने किया था सब पर पानी फिर जाता है। मेरे भाई मालूम ही हुआ कि बड़ा हसास मौजूद है जुबान का, किसी को तकलीफ देना बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए मेरे भाई हमेशा याद रखो, लोग मजाक मजाक में भी क्या करते हैं और पीछे से आकर अचानक बड़े जोर से आवाज करते हैं, सामने वाला घबरा जाता है। नहीं, अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन युरौया अखाहुल मुस्लिम, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि अपने किसी मुसलमान भाई को परेशान करे, उसको खौफ ज़दा करे, उसको दहशत में मुब्तला करे। तो भाई कैफ आपने, अगर आपका ताल्लुक अखबारी दुनिया से वाकिफियत रखने वालों में से है तो अच्छी तरह से जानते होंगे, माजी करीब की बात है, हिंदुस्तान में, जुनूबी हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े हलाल तजारत के नाम पर कुछ वहमी कंपनियां लोगों ने कायम की। डॉक्टर मोहेरा का नाम तो सभी ने सुना होगा, अभी तो वो जेल के सलाखों में बंद है। उसके पीछे एक मुजरिमों की एक बड़ी टीम थी, डाकुओं की, रहजनों की, डकैतियों की बड़ी टीम थी, हलाल कमाई के नाम पर लोगों से सरमाया इकट्ठा की और सूदी कारोबार था सब, वहमी कंपनियां थी, उनके कोई तजारत नहीं थी, लोगों से पैसे लेते रहे करोड़ों का नहीं हजारों लाखों करोड़ों का लेकर अपनी जिंदगियां खूब चमकाए और दूसरों को वापस करने का जब मामला आया तो आज तक कितने लोगों ने अपने मकान बेचे, अपने जमीनें बेची, अपने घरे का सोना खवातीन बेच बेच कर इन्वेस्टमेंट में इस्तेमाल में लगाया था, सब कुछ जाया किया, लोगों का करोड़ों का कीमती सरमाया लेकर तकलीफ पर तकलीफ देने वाले कितने बड़े मुजरिम होंगे अल्लाह के नजर में, कितने बड़े बागी होंगे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम एक अजीम शान दीन है, उसकी तालीमात नहायत अजीम शान है, कोई इंसान उसके इंसान इंसानियत नवाज खूबियों में से खूबी यह है कि हर किसी के दिली एहसास और कल्बी मशायर और जज्बात की बड़ी कदर करता है इस्लाम, और ना हक किसी की दिलाजारी करना, ना किसी के दिल को ठेस पहुंचाना, ना किसी के दिली जज्बात से खिलवाड़ करना, इस्लाम ने बड़े बड़े जराये में इसको शुमार किया। इसलिए एक मामूली सी बात, जहां तीन आदमी हो वहां दो आदमी अलग होकर सरगोशी और मुनाजात नहीं कर सकते, क्योंकि तीसरे आदमी को उससे जहनी तकलीफ हो, क्या बात कर रहे होंगे, हो सकता है मेरे ही बारे में बोल रहे हो, बदगुमानी पैदा हो सकती है और इस बदगुमानी के बाद बहुत सारे गुना का पेश खेमा हो सकती है एक बार सरगोशी। इसी तरीके से इबादत, मस्जिद में आप बैठे हुए हैं, बस नमाज खत्म हो गई, मुसहफ आपने खोल लिया, आपकी आवाज, आपके कुरान के हाफिज भी हैं, रात में तहजीद पढ़ रहे हो, दिन में रोजा रखे हुए हो, बुलंद आवाज से कुरान पढ़ना शुरू किया, बाद सुन्नत नमाज अदा करने वालों को तकलीफ हो, ऐसा करना मना है। दूसरों की इबादतों में खलल करके तुम कुरान की तिलावत करोगे तो उस पर अजर मिलेगा या गुनाह होगा। मेरे भाइयों याद रखना, इस्लाम की बड़ी अजीम शान खूबियों में से खूबी है कि वो इंसानों के जज्बात की तो कदर करने की तालीम देता है और सिखाता है, बल्कि बेजुबान मखलूक को भी तकलीफ
देने वाला इंसान है, देने वाली खातून, उसको जहन्नम रसीद करने का पैगाम सुना। सही बुखारी ने एक बार चार पांच मकामात पर इमाम बुखारी ने जिक्र किया है, और कहीं तफसीली रिवायत है तो कहीं मुख्तसर सी रिवायत है। एक किस्सा ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात अल-कुसूफ आपने सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण की नमाज पढ़ी, लोगों को रमजान में नमाज पढ़ाई, तो उस वक्त अल्लाह के नबी के सामने जन्नत और जहन्नम का एक नक्शा पेश किया गया। तो कहते हैं कि जन्नत की निंदा हत्ता कुल तो ऐ रबी वाना माहूं फ़ायदा एक बरात हस हसीबत हसीब तो अन्ना आका तख्दिशु हिर्रा तख्दिशु हा हिर्रा कालमाश अनवादी कालो हमसत आता मादत जुआन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जन्नत का नजारा पेश किया गया, तो इतनी करीब आप डर गए, अल्लाह जहन्नम का नजारा मेरे करीब इतना करीब क्यों आ रहा, क्या मैं उनके साथ में? तो इतने में एक जहन्नम में एक मंजर आपको दिखाया गया, एक बिल्ली एक खातून को नोच रही, तख्दिशुआ हिर्रा एक बिल्ली, उसने उसको बांध के रखा था, उसको खाना भी खाने नहीं दिया, पानी भी नहीं दिया, भूख और प्यास से मर गई, छोड़ देती तो जो भी अल्लाह का दिया और इसको खा के जिंदा रहती। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका अंजाम दुनिया ही में दिखाया गया। तो जानवरों को तकलीफ देना ये भी बहुत बड़ा जुर्म है, क्योंकि वो बेजुबान है, आपको बोल नहीं सकते। जानवरों को तकलीफ देना इतना बड़ा गुनाह है, वो जहन्नम में नहीं जा सकता है। तो जो लोग अपने मुलाजिमों को, नौकरों को, मजदूरों के साथ उनके इज्जत नफ्स के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनके वकार को मजरूह करते हैं, तो कितना बड़ा गुनाह उनका होगा। बहरकैफ अल्लाह के दो फरिश्ते हमारे दाएं और बाएं जानिब हमारा रिकार्ड तैयार कर रहे हैं, उसकी नौयत क्या है, कैफियत क्या है, हमें पता नहीं। आज कंप्यूटर साइंस की तरक्की ने हमें बता दिया है कि एक छोटी सी चिप में दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरी आ सकती है। आज कलम की शक्ल में कंप्यूटर आ गए, छोटे से कलम की शक्ल में। तो अल्लाह के फरिश्तों के पास हमारी जिंदगी भर का रिकॉर्ड तैयार करने के लिए क्या वसाइल होंगे वो अल्लाह जानते हैं, फरिश्ते जानते हैं। लेकिन इतना है कुरान मजीद में सूरह काफ की 17 और 18 आयत में मरीज तलब कल मतलब किया है यानी यमीन व शिमाल कई मा यरफु मिन कौल इल्ला लदीह रकीब नतीब, जो भी हमारी जुबान से निकलेगा तो फौरन नोट हो जाए। इसी तरीके से व इन अलैहिम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफअलून। तो मेरे भाइयों ये इसी तरीके से कुरान में जिनमें अल्लाह ताला सूरह इसरा में है وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَ, हमने तेरा रिकॉर्ड तैयार करके किताब के शक्ल में छाप के तुम्हारे उसके गर्दन में डाल दी जाएगी, पढ़ ले तेरा मानना, तूने जो कुछ किया है वो सब कुछ है। सूरह काफ में अल्लाह ताला ने कहा मुजरिम अपने नामे अमाल को देखेंगे तो क्या कहेंगे, वौदिया किताब बतरा मुजरिमीन वशफीन मिम्मा फी ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها, इसमें तो कोई छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कोई अमल छोटा नहीं, हर चीज मौजूद है हाजिर जो कुछ भी है उसमें मौजूद है। वाला यब्नि रब्बुका अदा, आपका रब किसी पर जुल्म नहीं करता, नहीं किया हुआ कोई अमल नहीं, जो कुछ तुमने किया वही उसमें रिकॉर्ड में पेश करेंगे फरिश्ते। तो बहर के साथियों ये है इस हदीस का पैगाम कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इस हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत हैं बातें और बहुत सी बातें जुबान के इतनी बहुत हैं, हमें और आपको दूसरों को तकलीफ देने से बचना चाहिए। बहुत से लोग इंसान तो इंसान, जानदार तो जानदार, अल्लाह को भी नहीं बख्श, अल्लाह को भी अजियत पहुँचाते हैं। सही बुखारी में दो किस्म की रिवायतें आई हैं, एक रिवायत में लैसा अहदुन औ लैसा शैउन अस्बर अला अन समिअ मिन अल्लाह,
तकलीफ पर अल्लाह से बढ़कर सबर करने वाली कोई हस्ती नहीं। इन्नहु लयदउन लहू वलदन व इन्नहु लयुआफीम व यज़ुकुम। दुनिया वाले कुछ कहते हैं कि अल्लाह की औलाद है, ईसा अलैहि सलाम अल्लाह के बेटे हैं, उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, यहूदी नसरानी कहते हैं, इसके बावजूद अल्लाह ने उनको भूखा मारा, प्यासा मारा, बराबर रिस्क दे रहा है, खैर वापस से रखा हुआ है। मेरे भाई, इसी तरीके से एक और रिवायत में जो सही बुखारी में है, हदीस कुदसी है, अल्लाह कहते हैं यहूदी इब्न आदम बिनी आदम मुझे अजियत पहुंचाता है, अल्लाह को भी अजियत होती बहुत सारी चीजों से। यूसुफ बुद्धा जमाने को गाली देता है इब्न आदम, आज मौसम हमारी तबीयत के खिलाफ हुआ, क्या बुरा मौसम है, हमारे यहाँ आने के बाद ही ऐसा मौसम होना चाहिए। ओ मेरे भाइयों, लेल नहार को या मौसमों की तब्दीली को गलत सलत कहना, कोसते रहना, मौसमों पर बुरा भला कहना, सर्दी आए तो उसको बुरा भला, गर्मी आए तो उसको बुरा, फला महीना फला दिन से बच्चों को नहीं लेना, रात दिन को लाने वाला कौन है, अल्लाह ताला है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह सबको खुश रखे, सेहत आफियत के साथ रखे। हम अपनी इन्हीं दुआओं के साथ आज इन्हीं बातों पर किफायत करते हैं, अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको इन आदेश पाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।